कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो परमात्मा उस दिन के बाद सन 1995 में इतने एक साल के बाद इतने पाठ हम घर घर पाठ किया करते थे, तीन दिन पाठ करते थे और एक दिन पहले जाना पड़ता था। ये दास उन सेवा करता था, घर घर जाके उनके सब जहां हमने पाठ करने का स्थान देखना होता था उसकी सफाई करते थे। कईयों का देख का कमरा होता बड़ा सा, उसी में पाठ भी करना, उसी में खाना भी बनाना, उसी में खाना भी उसी में, सोना भी उसी में। तो उस ढंग से अपनी सेटिंग कर लेते हैं, हम इतनी जगह हम पाठ कर लेंगे। तो मेरा जाना अति आवश्यक था उस समय, क्योंकि ये स्टार्ट था भक्ति का और स्टार्ट था इस पांचों यज्ञ करने का। किसी को नहीं मालूम था, बच्चे थे सहयोग देने लगे और धीरे धीरे फिर वो क्या हुआ कि इतने पाठ हो गए कि मुझे नौकरी, पहले तो क्या करता था, शुक्रवार को पाठ प्रारंभ किया, शुक्र शनि ड्यूटी करके सामने चले जाते बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को रात ने तैयारी करते, शुक्रवार को शनिवार को अब पाठ प्रारंभ करके अपनी नौकरी पर चला जाता, फिर शाम ना आ लेता, शनिवार इतवार की छुट्टी हो जाती, काम चल रहा था। वो हफ्ते हफ्ते हुए, फिर होने लगे डेली। अब अफसर भी दुखी और मैं भी दुखी, तो फिर उस दिन रिजाइन कर दिया परमात्मा के नाम पर। 18 साल की नौकरी होगी थी मेरी, हालांकि कुछ और भी हमारे साथी कह रहे थे भाई अभी 2 साल और डट जाओ आपकी पेंशन बन जाएगी। वाह भैया पेंशन तो करा कितनी बार होगी, जो पेंशन ई बनेगी ना या कदे नहीं बनी थी या असंख्य जन्मों की पेंशन बन जाएगी। तो वो तो इस बात को नहीं समझे थे, उन्हें तो मुझे मूर्ख ही समझा और दास की सौभाग्य था कि मुझे नौकरी या मजदूरी मिल गई भगवान की और उसकी पुण्य आत्माओं को दलदल से निकालने की। कहते आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं, और धर्म तो और भी है, दान करते हैं, भूखों को भोजन देते हैं, ऐसा है कि सहाय करते हैं, लेकिन जो आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं, और धर्म तो ये भी है जो गौशाला बना रखी है, धर्म वो भी है जो चिड़िया ऊपर चुग्गा डाल देते हो पशु पक्षियों को, वो भी विकलांगों के जो ऑपरेशन वगैरह कराए जा रहे हैं वो भी धर्म है, अनाथ आश्रम है वो भी धर्म है, लेकिन जो आज गऊ हैं उनकी सेवा कर रहे हैं अच्छी है, क्योंकि कोई भी प्राणी है चाहे भैंस है पशु है कोई किसी प्रकार का, सबकी सेवा हमने इसी दृष्टिकोण से करनी चाहिए क्योंकि सब में एक जैसा जीव, वो भी धर्म है। लेकिन अब तो वो आज वो गाय है, आज कोई भैंस है और जन्म होने के बाद फिर वो सूअर की जूनी में जा सकती है, उस बीमारी तो कौन छुटाएगा उसको। तो ये ज्ञान ये भक्ति ये आत्मा इस जीव को उद्धार करेगी, वो फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, या तो मनुष्य शरीर होगा नहीं सतलोक चला जाएगा। तो कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और तो इस दास को ये आत्म प्राण यानी जीवात्मा के उद्धार की मजदूरी मिल गई और सहरस शुक्र मनाता हूँ प्रभु आपने कैसे दया करी 2 कोटि के जीव पर, और ऐसे
ऐसे निर्मल भगवान की महिमा, ओए होए होए, जिसके नाम लेते हैं रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद परमात्मा की ऐसी महिमा हुई, अब मुझे इतनी खुशी होती है, कैसा निर्मल समाज तैयार हो रहा है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू उसको देखकर बिराजी नहीं है। अब ये पुण्यात्मा दोनों हाथों दान करते हैं, और हम पहले लूटन पर लगे रहा करते थे, पाप बढ़ाते थे, ये माया साथ नहीं जानी थी कि इतना नरक इकट्ठा कर रहे थे। और परमात्मा क्या कहते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे होठ। अब जी जो लोग बिना देखे सोचे समझे और भक्तों की संतों की बुराई करते हैं, अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के सिजदा करो जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों पाप कर्मों से हटाकर और पुण्य कर्मों पर लगा दिया, कितने पाप कर्म बचा दिए हमारे। और जैसे ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, कहते हैं उनके जम तोड़ेंगे होठ, यम के दूत उनके इसे लठ मारेंगे, चाहे कितने लागो मुंह पे ओठा पे ओठ, इसलिए कहा कि इस पर ज्यादा दर्द होया करे, सोई भी बड्डी आया करे। तो कहते हैं वो जम तोड़ेंगे होठ जो बकवाद किया करते थे, संतों की निंदा करते थे। नितानंद जी महाराज ने यहां तक कहा है, भाई तू ना मानता ना, ठीक है अपना और काम कर ले, और कुछ कह सुन ले, पर संत की निंदा मत करिए, ये तेरे लिए बहुत जबरदस्त पाप बन जाएगा। लेकिन जो इस मार्ग से परिचित नहीं, वो नादान बच्चे आग में हाथ दे देते, बिजली के तार को छू लेते, और ज्ञान होता सत्संग से, और सत्संग में ये काल नहीं आने देता। तो उस दिन के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि बाग लाग गया भगवान का, और यही प्रार्थना करता रहा, परमात्मा तेरे बच्चे तुझे समझे पहचाने, दास को ये नौकरी दी है, इसमें सफल भी आप ही करोगे। इन लोगों ने तो आपको भी नहीं बख्शा था, जब जिसमें आप यहां आए थे काशी में 120 वर्ष रह कर गए, सारा जीवन आपके पीछे पड़े रहे, उन दुष्ट आत्मा स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिए जनता को सत्य ज्ञान नहीं समझने दिया, और परमात्मा को बहुत यातनाएं दी गई। अब उनकी जो यातना, उनके साथ जो हुए संघर्ष को देखकर इस दास का दिल डटा हुआ है कि हमारे साथ तो अभी कुछ भी ना हुआ है, जो उस परमात्मा के साथ कितने तेल के कढ़ाई में डाल दिए, कितने काट काट के घेर दिए, कितने कुएं में डाल के ऊपर तो डले ठोक दिए, और फिर भी डोके न पाए, वो तो समर्थ थे, और जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकी और ना ही उनको समझ सकी। समझना चाहिए था, कुछ लोग समझे भी थे, लेकिन बाद में फिर वो ठीक ढंग से ना लगे तो भगवान ने उनको स्वयं ही रिजेक्ट कर दिया था। परमात्मा क्या बताया करते थे, कैसा एथेंटिक उदाहरण दिया करते थे। अपुणात्माओं क्या बताते हैं, भाई सिरसाटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाई यो अवगत अलख अनाथ। अब शीश कैसे देना है, शीश ये नहीं भाई काट के सिर चढ़ा दे भगवान के चरणों में, ऐसे नहीं। जैसे आपको परसों के सत्संग में सुना था कि गुरुदेव को समर्पण कर दिया जाए, समर्पण का अर्थ ये है कि जो आज्ञा दे वही की जाए, चाहे वो बुरा लग रहा है चाहे अच्छा लग रहा है, उसमें हमारा हित है अति हित होता है। और संत क्या कहते हैं, भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये मत पीना। संत कहते हैं चोरी जारी नहीं करना, डाके ना डालना, किसी की जेब ना काटना, ये महापाप है तेरे लिए, अपना करके खाना बेटा, भगवान भजना, इससे तेरा कल्याण होगा। और हम यही वचन नहीं मानेंगे तो फिर यहाँ स्कूल में आने की आवश्यकता क्या, इस विद्यालय में सत्संग में आने की आवश्यकता क्या। हम गलतियां भी गलती गलती पे गलती करते रहे और फिर सत्संग में भी आ रहे हैं, तो वो फेल हो जाएंगे विद्यार्थी, वो पास नहीं हो पाएंगे। और
परमात्मा के पाने का कौन सा तरीका उत्तम है। उत्तम तो अर्थ है कि जैसे आपने सुना है, कुबद कांचड़ी चढ़ी चित पै होया मनुष्य नागरे, सूजे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। या कुबद कांचड़ी चढ़गी चित पै तो हो रहा मनुष्य नागरे, मनुष्य के कर्म है बुरा काम नहीं करना, किसी की बाण बेटी की तरफ बुरी नजर नहीं रखे, किसी की संपत्ति की तरफ बुरी नजर नहीं रखे, अपने जैसा दुख सभी का माने, किसी पशु का बेमतलब लठ नहीं मार दे, किसी को नाजायज तंग बिल्कुल ही तंग नहीं करना चाहिए। तो ये मनुष्य के कर्म थे, इनको छोड़कर हम अपने स्वार्थ से ना जाने दूसरे को कितना दुखी कर देते, तो वो मनुष्य नहीं रहे, हम सर्प बन गए, दूसरे को विष चढ़ा रहे हैं, कोई ओछी मंदी बाणी कहकर किसी को, किसी की चोरी करके, किसी की ठगी करके, किसी की निंदा चुगली करके, लड़ाई करवा के हम नाग हो गए। और सूझे नहीं सजन बिना प्रेम बैरागरे, वो सुख सागर यानी परमात्मा, सुख सागर माने परमात्मा जो सभी सुख देने वाला है, उसकी प्राप्ति बिना प्रेम और वैराग के नहीं हो सकती। वैराग का अर्थ ये नहीं है घर त्याग का जंगल में जा बैठना, उसके बारे में परमात्मा ने बताए थे, एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से ही 12 वर्ष का होकर बाहर निकले थे, और उसको गर्भ में इतना ज्ञान था कि मैं अब जंजाल में नहीं फंसूंगा, ना शादी करवाऊंगा, और जंगल में जाकर एकांत में माया के, मात पिता भी माया है, मात पिता भाई बहन यह भी काल की माया है, क्योंकि इस विष्णु जी के गुण मोह के अनुसार हम इनमें फंस जाते हैं, हम नहीं निकल सकते, तड़कल मर जावा पर नहीं छूट सकते इनसे, फिर ये हमारे साथ ना रहते, ना हम इनके साथ रह पाते। तो इस तरह का ज्ञान तो उसको था, उसने माँ के पेट से निकलते ही अपनी ओर नाल को भी कंधे पर डाल ली, और व्यास जी कहते हैं बेटा मुझे दर्शन दे जा, बेटा मुझे दर्शन दे जा, अरे दर्शन तक दे दे, तेरी 12 साल बाट देखी मारा छोरा होएगा। तो दूसरी तरफ मुँह किए हुए कहता है कि व्यास जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा और मैं तेरा बाप हो लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बेटा तू मेरा बाप हो लिया, ये तो बूंदा जंजाल है, मैं ना देखूँ थरे का ना कदे, मेरी भी मैं ना फंस जाऊँ। फिर उसने शादी नहीं कराई, शादी भी नहीं कराई, और फिर पिछले जन्म की जो बैटरी चार्ज थी आकाश में भी जाने लगा, उड़ भी जाता था, सारा कुछ करता था, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। अब मान जो का तू, जब विष्णु भगवान ने ये कहा कि जाओ राजा जनक से उपदेश ले लो, अभिमान हो गया, अकट गया, ने बोला राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। हम सुखदेव बोले ज्ञान विवेका अपनी तरफ से बड़ी बुद्धि से बात करी विवेक के साथ, क्या कहता है, हमने स्त्री का मुंह भी ना देखा, यानी राजा जनक को वो घटिया मान रहा था अपने से, क्योंकि वो शादीशुदा है। इसके बारे में बताते हैं, पांच एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये भी तो माया है त्री गेला, इनको त्याग बेटा, जब जब तू त्यागी बनेगा, केवल एक स्त्री को छोड़कर भाग जाने से तू मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, अर्थात परिवार त्यागन मात्र से तेरा कल्याण नहीं है, परिवार में रहे, अपनी भक्ति कर, बच्चों को भी ला लाइन पे। जब पिताजी सत्संग में आता है तो बच्चे तो अपने आप आएंगे, उनका तो और दिल खुलेगा। अब कई बहन ज़्यादातर ये परेशानी होती है उनके जीने के, हमारा पति नहीं मानता, बच्चे भी डर छुप कर कभी दाव लगा कर आते हैं, और पिता आ जाते कहना है कि माँ भी गेल हो जाए, तो बच्चे तो अपने आप आ ही जाते हैं, जैसे रंग हम रंगेंगे रंग जाएंगे। ये तो कहते हैं ये वैराग नहीं है, वैराग है, वैराग नाम है त्याग का, 525 माँ ये सारे शरीर में और इसी में हम रहे, इसका नाम वैराग है। कैसे है कि एक सीप बनती है, सीप में मोती बनता है, एक कीड़ा होता है सीप, एक जीव है, जैसे ये शंख
आपने देखे होंगे ये भी एक जीव से बनता है, ये ऊपर का कवर होता है, उसका शरीर होता है। ऐसी एक सीप होती है और वो खारे समुद्र में रहती है और खारे समुद्र को वो ग्रहण नहीं करती, उस पानी को ग्रहण नहीं करती मोती बनाने के लिए। आकाश की, आकाश से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है और उस समय उसका मुंह खुला हुआ होता है तो उसके मुंह में वह एक बूंद गिर जाती है, फिर वो मुंह को बंद कर लेती है और उसी समुद्र में गोते लगा रही है। तो इसी प्रकार जो संसार भगवान से दूर है वो खारा समुद्र है और जो जो सीप यानी जो भक्त आत्मा परमात्मा का नाम लेकर अपना मुंह बंद कर लेती है, संसार की नहीं सुनती, उसकी बातों को अपने अंदर नहीं जाने देती, तो वो राम नाम का मोती बनाकर परिपक्व कर लेती है। तो यहां बताते हैं कि बैराग नाम है त्याग का। नो त्याग करना किसी की सुननी है नहीं, कोई कम में बांटा कहें जाओ भाई तुम अपने राजी हम अप, और भक्ति करे, ये है त्याग वास्तव में। ना किसी का बुरा मन है, हैं कोई गलत कर रहा कह ले भाई तेरी इतनी सोच है, हैं और अपना अपने उद्देश्य से दूर ना हो, उसे वंचित ना हो। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा के पाने की विधि। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन जल के तेज नयारे। ओए होए, अब वही पॉइंट आ जाता है कि सूजे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। जब तक हमारा प्यार हमारे हृदय में रोना अपने भगवान के प्रति नहीं जागता, तब तक हमारे बीच में कोई मैल शेष है और उस मैल को हटाने के लिए, उस मैल को कम करने के लिए ये सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, पांचों यज्ञ रूपी, सुमरण, ये सभी व्यवस्था उस मैल को काटने की ही दे रखी है। ये जितना कटता जाएगा उतना प्रेम परमात्मा में प्रेम आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन वो झलके तेज नयारी। आए है, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आता, ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं और प्रेम की पवन करे चित मंजन। राम नाम का वो सिमरण जो दे रखे आपको, सतनाम कहते, उसके ऊपर तो आपका चित मन लगा रहे और प्यार की पवन जैसे हवा चलती है बादलों को इधर उधर फेंक करके सूर्य का प्रकाश चमकने लग जाता है। प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे, वो परमात्मा आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा, आपके जो पाप कट जाएंगे, आपके बीच में जो पाप कर्मों की द्वार अज्ञान की द्वार है वो हट जाएगी। अज्ञान की द्वार ज्ञान से हटेगी और पाप कर्मों की द्वार जो है वो इस सब भक्ति विधि से हट जाएगी। पुण्यात्मा एक अंधा था और बड़ा भक्त था, बड़ी साधना क्रिया करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी 60-70 के आसपास, इतने लूज मोशन हो गए कि वो समझ गया ना कोई दवाई काम करे, तो उसको उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहाँ क्यों दुखी करया, कोई एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, यू को कपड़े धोन में लग गया रहे, तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, एक दो दिन में भूखा प्यासा दस्त लगी रहे हैं खत्म हो जाऊंगा और वहाँ इस शव को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा, और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नूला ठीक है लाल लू का कुत्ती जंगल के बीच में, वहां कहीं आसपास कुछ भी कोना।
वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया 5-7 साल का वर्ष का, उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे ने, वो कहने लगा बाबा आपको लगता है आप बीमार हो। हाँ भाई बीमार हूँ बेटा। आप कहाँ से आ गए यहाँ? बच्चे को बोला, बोला यहाँ हमारा मकान है, यहाँ हमारी आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे, और बाबा ले ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है रोटी, खा अब खिचड़ी खा ले। वो बोला बेटा ला भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने, हाय हाय ये परमात्मा आप यहाँ भी साथ है, देख कितला छोड़ा अंधे आदमी को, यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के अग भाई चल भगवान किया है रजा है, और जीवन देंगे तो इसका भजन करेंगे, ठाओगे तो चल इसके लोक में जाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो इतने में कुछ देर में वहाँ उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियाँ वाले आ गए और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह रल गई। उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुँच गए। वो बाबा जी लौट रहे वहाँ पर, वो कहने लगे महात्मा तू यहाँ कैसे आ गया? वो बोला भाई आ गया मैं ऐसे ऐसे बीमार था और यहाँ एक भगवान आत्मा का घर है, उसने मेरा निके सी दया करी, को खिचड़ी सी बना के दी, मैं ठीक हो गया, मेरे दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखें, महात्मा उस सूरदास के मुँह की तरफ कि क्या कह रहे हो, यहाँ कौन है, किसका घर है? और उसके पास क्या था, वो जो प्लेट लाया था थाली जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के, जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली वो आवाज़ लगा रहा था बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिये आगे जो वो रट लगा रहा था, तो गडरिये बोले बाबा किसको आवाज़ लगा रहा तू? बोला भाई यहाँ कोई एक घर है और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी बेटा, उनकी थाली, वो बालक था ना ले गया होगा थाली, या थाली को उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे बाबा जी तू यहाँ कैसे आ गए ऐसे गौर जंगल में, यहाँ ना कोई घर है, यहाँ से 5-7 कोस तक तक कोई गांव भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहाँ कोई घर नहीं है, ये थाली कहाँ से आ गई तेरे पास? ने बोला भाई मन ने बेरा है कितना आएगी, जब यार कोई है ही नहीं और कोई घर नहीं तो मौन साध गया। अको हे भगवान हे परमात्मा आप यहां भी साथ। अब क्या होता है, वो बाबा जी उठकर चल पड़ा, अक भाई चले जहां ले जाएगा वहीं चलते हैं। अब चलते चलते वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था, वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था जय वो, और स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेका था, कदम गणे दर था, इसी उमंग सी हो रही थी को हे भगवान आज मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को हुआ तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के और उल्टा ले लिया, ने बोला बाबा आगे इतना जबरदस्त गड्ढा है तुम गिर के मर जाता, वापस हो ले ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नौ का नौ नीचे एकदम पैरा में गट गया, नौ बोला परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ में आज नहीं छोड़ू तेरे, जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। नौ बोला बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो एक राह चलता आदमी हूँ और ये तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो मैं भगवान ने भेज दिया यहाँ तेरे को बचाने के लिए। नू बोला ना एक बार धोखा खा सके सूरदास दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ, ने बोला छोड़ तू मेरे गले पड़ गया। जब वो कहता है कहने लगा कोई बात नहीं तू सारी सृष्टि का मालिक है,
और मैं बोलता जीव तेरा मेरा के मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब देखूं कि सब बलवान तू। ने बोला हीना जान के कमजोर निर्बल जानो और पैर छुटा गया है अति बलवान तू है सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब जानूं कि सा बलवान तू। कहते हैं उसी समय उसके दिव्य भी वो दृष्टि भी खुल गई और भगवान ने सामने दर्शन दिए जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इस भक्ति काल तक इस जीव को लाने के लिए, भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए सोचल छिद्र करता है। नरसी जी का भात किसने भरा था, नरसी जी की हुंडी किसने ली थी, ये तो इब तत्व ज्ञान सुनो जाओगा इस अंधेरे ने। ये पूर्ण परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबकी व्यवस्था, सबको जो भी जैसा कर्म करता उसके फल आधार पर वो परमात्मा आकर के भक्ति लाभ देता है। तो पूर्ण परमात्मा आए और फिर उसको कहा बेटा ये भक्ति कर, ये भगवान है, ऐसा नाम जप। और फिर ये कहा कि मैं तो उसका भेजा हुआ हूँ, तू नाम जाप कर, नाम से मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं जब उसमें प्यार आया, जब फूट फूट कर रोने लगा सूरदास, बुरी तरह तरफने लगा, जब परमात्मा प्रकट हो गए उसके नेत्र भी दे दिए और सामने दर्शन भी दिए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे करुण छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन वो झलके तेज नयारे। कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। और इस प्यार को जागृत करने के लिए, इस प्यार को आप परमात्मा के प्रति बढ़ाने के लिए आपका यो ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सारा जो उपचार है परमात्मा में प्यार बढ़ाने का, जितना भी प्यार आपका भगवान में बढ़ जाएगा उसके बाद आपको संसार में उस मालिक के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा। और वो मालिक कैसा है, कौन है, उसको नहीं जानते, इसलिए परमात्मा ने यही कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को मेरा ही रूप मान लेना, मैं मुझे ही मान लेना। जैसे गुरु भगवान नहीं है, गुरु तो भगवान को मिलाने का, प्राप्त करवाने का एक मीडिया है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा का कृपा पात्र है। उसको परमात्मा को पाने के लिए हमारे को गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा, और भगवान मान के वो रिहर्सल करनी है हमने, वो प्रैक्टिकल करना है कि जब हम पूर्ण परमात्मा के सामना होगा कहीं वहाँ कोई गलती ना बन जावे। यही जो गलतियाँ हो लें अपनी सुधार सुधरना, और फिर अंत में ये पक्के हो जावा कि यह गलती फिर आगे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप शरीर छोड़ोगे, जो भक्ति नहीं कर रहे उनके साथ वह ब्रह्म माटी होगी, यम के दूध देखते कलजा पाटेगा उनका, और आपको परमात्मा स्वयं इस दास के रूप में खड़ा पाओगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, मेरी शक्ल को पहचानते हो, भगवान आपको वहां मिलेगा और आपको साथ लेकर के ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं, वहां पर भी ऐसे ही मेले भरे होंगे, परमात्मा की लीला होगी, और वहां फिर तुम कोई गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ परमात्मा बहुत समय तक आपको फिर रखता है इस 21वें ब्रह्मांड में, एक यहाँ इस एक ब्रह्मांड में अलग स्थान है परमात्मा, वहां भी आपकी पूरी ट्रेनिंग लेगा, और वहां फिर ऐसे जैसे सत्संग में आते हो यहाँ भी इधर उधर का कोई गलती कर दोगे, तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो रहा है, वहां हो जाएगा ओरिजिनल एग्जाम आपका, तो वहां से फिर पटकने पड़ोगे यहीं पर। उसमें इतना सुख जरूर हो जाएगा कि कई सैकड़ों मनुष्य जन्म में मिल सकते हैं, पार नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ जो आप आते हो, तो जब यो दास है आपका, वो परमात्मा ने भेज रखा है, तो उसके लिए कहते हैं मम संत, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप मानिए, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिले, और कहते हैं गुरु जी भगवान है, परमात्मा खुद कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंदे।
अब गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मान कर चलियो, और रहियो शब्द समाय वचन में, वचन के अंदर चलना, उसके आज्ञा का पालन करते रहना। गुरु की आज्ञा आव ही, गुरु की आज्ञा जाव, कह कबीर सो संत है आवागमन साए। तो यहां हमने जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर गणित में एक प्रश्न आता है ब्याज का, तो उसमें मूलधन निकालना होता है, और मूलधन निकालने के लिए पहले हमने दर कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो उसमें मूलधन मानना पड़ता है 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मान्य पार पड़ेगी, वो करोड़ों की अमाउंट का जो मूलधन, वास्तविक जो धन है हमारा, वो 100 रुपये मूलधन मान कर ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। तो उसमें मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन मानकर फिर हमको उसको ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर लेंगे जो करोड़ों की संख्या में है। तो वो परमात्मा को पाने के लिए गुरुजी उस परमात्मा जैसे परमात्मा नहीं है, लेकिन आपने परमात्मा मानना पड़ेगा ताकि आपकी रिहर्सल ठीक चले जा, ताकि आप ये सोचो कि जब भगवान के सामने हम जाएंगे, जिसके इतने गुण सुनते हैं, और उस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह हमारा कैसा शिष्टाचार हो, कैसा बोलना चालना हो, कैसा व्यवहार हो, कैसा उमंग हो। अगरीब करीब कबीर साहब आपके सामने आ जाएं, आपने इतना गुण सुन रखा है, तो एक दूसरे के ऊपर कपड़ के उनके चरणों ने छुआ हैं, और मतलब नु सोचा जानू मेरी बारी कब आवे। शिष्टाचार नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरना, मतलब एक दूसरे से आगे पहुंचने की होड़ लगे, और नहीं तो दूर से नवेडी ठाठा के देखें, वह खड़े भगवान, वह खड़े भगवान। और यही उमंग आपकी इस दास को जब देखें, ये आप पर बन जाएगी। यो ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यो दास दिखाई देगा, और तब आपका प्रेम परमात्मा में दृढ़ बन जाएगा। आपकी यहाँ जो भी है, ठीक है, संतान संपत्ति जो भी है, वो आपको अस्थाई नजर आएगी, और हम यहाँ अपना कर्तव्य करने आए हैं, ये भी पूरा करना है। तो इस प्रकार जैसे हम माता पिता की, जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं माता पिता बचपन से, कितने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनको अब आप वो भूखे रह जाते हैं, बच्चों को उत्तम आहार कराते हैं, उत्तम अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, ब्याह शादियाँ हो जाती हैं, तो माता पिता उनसे उतना ही प्यार चाहते हैं जितना वो बचपन में दिया करते थे। अब हम उतना प्यार उनको नहीं दे पाते, ये भी हम पाप कमा लेते हैं। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं चाहिए, सारे शौक खत्म हो जाते हैं उसके बुढ़ापे में, और हमारे भक्त बीड़ी शराब मांस तम्बाकू को मुँह त्याग देते हैं, तो बिल्कुल नहीं छूते, वो केवल प्यार के भूखे होते हैं। बुजुर्ग आदमी को, माता पिता को, दादा दादी को, बाहर से आते हो या सुबह उठते हो, सतसाहेब बोले, और प्यार ते नो बाहर से भी आते हो, चाहे आपका किसा मूड ऑफ है, अपने माता पिता से कहे माँ ठीक हो, पिताजी ठीक हो, उनका आड़े गदगद आत्मा हो जाती है, और पिताजी बोला छोरा मुँह चुटोग नो चौल पड़े, तो उसकी दूना रोना बढ़ जाता है। तो पुण्यात्मा, हमने अपने बुजुर्गों की हृदय से सेवा करनी है, बुराइयों से बचाना है, हुक्का नहीं पहना उनको, शराब नहीं पिलानी चाहिए, मरे चाहे जीवे, प्यार दो, अच्छा भोजन कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, प्यार से रखो। तो इसी प्रकार हमने हर कर्तव्य को पूरा करते हुए, हम तभी हंस बनेंगे, तभी हम संत बनेंगे, भक्त बनेंगे, जब हम प्राणी, हर प्राणी के प्रति उतना ही प्यार रखेंगे, और वो प्यार सबके एक से द्वेष बनाए रखें घर में, तो प्यार कैसे रहेगा, भगवान में भी ना रहे वो। तो इसलिए हमने धीरे धीरे सब में नॉर्मल प्यार बढ़ाना है, और विशेष प्यार परमात्मा में रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की अपने घर चली जाती है शादी के उपरांत, तो उसका विशेष लगाव अपने पति में हो जाता है, बहुत लगाव हो जाता है, और वो एक पल भी उसे नहीं भूल पाती है, लेकिन
किसी को सो भी नहीं करती है, माता पिता को भी प्यार देती है, भाई बहन को भी, और अपना काम भी करती रहती है। लेकिन जो विशेष कसक उसके अपने पति में होती है, पति भरता स्त्री की, कहते हैं ऐसे ही हम यहाँ इस संसार में रहेंगे अपने परिवार में, ये हमारा मायका समझो, और हमने ससुराल चलना है अपने पति परमात्मा कबीर परमेश्वर को ऐसे पल पल में याद रखना है। जो पति भरता पति सिराती आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में नो को ध्यान लगावे। वो क्योंकि यहाँ हम खेचाताने नहीं रखेंगे, यहाँ भी प्यार, इनके लेवल का प्यार, यहाँ भाई के लेवल का, बाण के लेवल का, जेठ के लेवल का, जेठानी के लेवल का, ये भी इनको श्रद्धा सत्कार देना है। लेकिन विशेष कर सक अपने परमात्मा में रहनी चाहिए, वो विशेष प्यार वो हमें आगे ले चलेगा। और यहाँ हम आपस में लड़ाई झगड़ा रखेंगे तो भी भगवान को पसंद नहीं। जैसे एक लड़की अपने एक सह परिवार में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है, सुसर है, पीतश्रेय है, पीता है, तो इस तरह हम फिर वो लड़की इतनी शिष्टाचार में रहनी चाहिए। अपने पति से तो प्यार है ही है, वो तो बिल्कुल उस मत को नो डाउट, क्योंकि उसका और उसका आजीवन का संबंध है। और लेकिन अन्य परिवार के सदस्यों से भी उसने मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। जैसे जिसका सत्कार जो ड्यू करता है, उनको डिजर्व करता है, अवश्य देना चाहिए, नहीं तो वह पतिव्रता नहीं कड़ी आ रही हो जाएगी फिर। अगर वो प्यार नहीं देगी, वो शिष्टाचार नहीं रखेगी, आदर सत्कार प्रेम से नहीं बोलेगी, तो घर में आग लग जाएगी, तो ना भक्ति बने ना कोई और बने। तो इस प्रकार हमने हर दृष्टिकोण से अपने जीवन को नरक ना बना करके, यहाँ का स्वर्ग तो हमने घर बना लेना चाहिए, और सतलोक में अपने चल पड़ेंगे, वहां जाकर सुख सारा मिल ही जाएगा। इस प्रकार हमने अपने इस जीवन को सुचारू करना है और परमात्मा प्राप्ति करनी है। सत्संग में आने से बहुत लाभ बताया है, कहते हैं संत मिलन को जाइयो, दिन में कई कई बार, आसौज के मेह जो ये घना करें उपकार। आसौज का मी, पहले सिंचाई नहरों से नहीं थी, ना कोई ट्यूबवेल्स थे, परमात्मा पर आश्रित होते थे, तो उसमें आसौज में जो मी बरसता था, वर्षा होती थी, वो पहले वाली फसल को, जो ईबो रखे बाजरे ज्वार ज्यादा बोया करते थे, उसको तो परिपक्व करती थी, और नेक्स्ट क्योंकि चने ज्यादा बोते थे, और उसके लिए कहते हैं आगे की सिंचाई का भी काम कर जाती थी। तो अब जो पुरानी फसल यानी पुरानी आल, पुराना जो आपके अंदर भक्ति संस्कार थे, अब ये सत्संग, संत का जो सत्संग है, उस पुराने जो सत्संग जीवन को तो आपको परिपक्व कराएगा, सुचारू रखेगा, इसमें कोई आपत्तियां आनी है उनमें बिटाड़ेगा ये परमात्मा का नाम, और आगे के लिए भविष्य की तैयारी करवाओगा। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइयो, दिन में कई कई बार, आसौज के मेह जो ये घना करे उपकार। तो पुण्यात्माओं, सत्संग आने से आपका उद्धार होगा, आप भी आवे और भी जहाँ तक पार बसाओ सबको समझाने की चेष्टा करें, और सच्चाई से परिचित कराना हमारा फर्ज बनता है। हम किसी के मित्र हैं और उस मित्र को इस मार्ग पर नहीं ला सकते हैं, तो उस मित्र से मित्रता मत रखिए, वो मित्र तेरी जान का झाड़ बन जाएगा और आपको ले डूबेगा। ऐसे बहुत से भक्त हमें मिले, फिर वो आखिर में उन्होंने ये बात स्वीकार करनी पड़ी, या तो वो मित्र ही भक्त बन गया, नहीं वो मित्रता नहीं रही, औपचारिकता रहेगी, हृदय से मित्रता नहीं रही। अब मित्र तो हमारा एक ही है, कबीर परमात्मा। अगर हम उससे मित्रता करेंगे, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च दृढ़ तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। तू ही सखा यानी मित्र है, बंधु हमारा भाई बंध, वास्तव में परमात्मा ही हमारे सब नातों में फिट है, बाकी यहाँ के नाते वो अपने स्थान पर। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो, और
सच्चे लगन से ज़्यादा परमात्मा के चरणों में आया करो। ये 3 दिन की जमानत तो करवाए लिया करो काल पे परमात्मा पे, और 3 दिन आकर भगवान का ये गुणगान सुन जाया करो। तो किरा कै जन्मा का घाटा है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। अर्ज करा करो भगवान हमें समय दे, हम जा सकें अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए। रोया करो कभी उनके चरणों में पड़ के वहीं पर, तो वो जमानत लेगा तभी आन देंगे आपको, ना काल नहीं छोड़ा ही। तो अब इस घाटे में जोड़ रहा है, फिर तेली का बैल बना देगा, गधा बना देगा, फिर वहाँ नहीं छूटना। तो अब हम प्रयत्न कर सकते हैं, अब हम छूट सकते हैं। परमात्मा का सहारा है, हमारे पास ज्ञान है, और फिर सच्चा नाम है। आप पूरा प्रयत्न करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।